रोहिणी झील राजधानी में पुनर्जीवित होने वाली 23 झीलों में से एक है। यह झील रोहिणी के सेक्टर नंबर 25 में स्थित है। रोहिणी झील एसटीपी के साथ 100 एकड़ के परिसर में स्थित है, जहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 20 एकड़ में है। बचे 80 एकड़ को झील और ग्रीन एरिया में विकसित किया जाएगा। 15 MGD की क्षमता वाले एसटीपी में मल जल को ट्रीट किया जाएगा। एसटीपी से निकलने वाले ट्रीटेड पानी को झील में छोड़ा जाएगा। 80 एकड़ में फैले लैंडस्केप में 8 झीलें होंगी। इन 8 झीलों में एसटीपी से 68 MLD ट्रीटेड पानी छोड़ा जाएगा, जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में मदद करेगा। झील क्षेत्र को एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें झीलों के बीच पेडेस्ट्रियन पाथवे होंगे। सरकार इस परियोजना में बड़ी संख्या में पेड़ लगाएगी। इसके अलावा पार्किंग स्थल, कैफेटेरिया, चिल्ड्रन पार्क, ग्रैंड स्टेप्ड प्लाजा आदि जैसी सुविधाएं भी होंगी। इसके साथ ही साइट पर एक स्टेप्ड वाटर गार्डन, वाटर एल्कोव्स और एक म्यूजियम भी मौजूद रहेगा। रोहिणी झील के रास्ते का उपयोग आउटडोर गैदरिंग, पिकनिक, सैरस्पाटे के साथ साथ साइट सीइंग के लिए किया जाएगा। ये झील न केवल दिल्ली के निवासियों के लिए मनोरंजक स्थल के रूप में कार्य करेगी, बल्कि इसके पर्यावरणीय लाभ भी होंगे। जैसे भूमिगत एक्वीफर्स को रिचार्ज करने से भूजल स्तर में सुधार और साथ साथ स्थानीय पर्यावरण को स्वच्छ करने में मदद करेगी।